लेकिन आप ये भी तो जरा कंपैरिजन कर लें कि उसमें फर्क कितना था। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि मिसाल मतलब दूसरे सूबे में क्यों नहीं हुए, हमने तो ये कभी कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा कि हमारी जमीन पे क्यों हो रहे हैं, हमारा तो मकसद ये नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब में बदअमनी हो, हम चाहते हैं कि पूरे पूरे के पूरे खत्ते में अमन हो। हमने तो ये डिमांड कभी किया ही नहीं है। हाँ, अब अगर आप ये बात करना चाहते हैं कि मिसाल उस वक्त ताजक अगर उस वक्त एक बॉर्डर वहां पर क्रॉस कर सकता है, तो मेरे ख्याल में वो दो बॉर्डर भी क्रॉस कर सकता है। अगर वो वजीरिस्तान आ सकता है, अगर वो पिशावर तक आ सकता है, तो वो इस्लामाबाद भी जा सकता है, वो लाहौर भी जा सकता है। ये मतलब उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हमारे खत्ते में ही क्यों इतने ज्यादा है, ये हमारा सवाल है। और ये तो कोई बात नहीं है कि मिसाल वहां पर भी, हम जो ये चाहते हैं कि अमन जहां कहीं भी हो अमन होना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि लाहौर में धमाके हो, नहीं, हम कहते हैं कि वहां भी ना हो, लेकिन हमारे खत्ते में क्यों हो रहे हैं। हमने तो ये कहीं नहीं कहे कि मिसाल हमारे खत्ते में धमाके खत्म करो, उन सबको आप लाहौर मुंतकिल कर दें, ये डिमांड हमारी कतई नहीं है। हाँ, अगर वो ये दलील पे वो देना चाहते हैं, अरब तो हमारे हम नस्ल भी नहीं है, अरब तो हमारी हम कौमियत भी नहीं है। फिर वो पंजाबी तालिबान वस्मतुल्ला माविया जो शुमाली वजरिस्तान में आकर यहां से मतलब यहां पर कार्रवाइयां करता था, यहां पर अपनी तंजीमों में बनाता था, तो फिर उसको लाहौर में और पंजाब में कार्रवाई करने से किसने रोका था? क्योंकि आपने उनको यहाँ पर महफूज पर नगाहें दी हुई थी, आपने जो 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 यहाँ पर वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे उस पर आप लोग खामोश थे, यहाँ पर आपने उनको सेफ हेवन दिए हुए थे। पंजाब में उस वक्त उस किस्म की आपने उनको आजादी शायद ना ही दी हो, इसलिए सारी दुनिया के दहशतगर्द अगर कोई अरब से है, अगर कोई उज़्बेकिस्तान से है, कोई ताजिकिस्तान से है, वो आकर वजीरिस्तान में आबाद होते थे, वहां पर उनको कुछ कोई कहता नहीं था। मैं सिंपल एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, मैं हम ड्रोन के मुखालिफ हैं, हमारी सोवरेनिटी को हेट करते हैं वो, लेकिन इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि उनके प्रिसाइसनेस में, उनकी एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने एक मोहम्मद को ड्रोन में मारा, उन्होंने बैतुल्ला मसूद को ड्रोन में मारा, उन्होंने हकीमुल्ला मसूद को ड्रोन में मारा, उन्होंने वली और रहमान को ड्रोन में मारा। हमारी अपनी फोर्सेस भी तो जरा हमें बताया कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, उनके उनके अकाउंट में क्या है। मतलब यहां पर उन्होंने बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके अकाउंट में क्या है, वो उन्होंने किस तरह कौन से इस तरह के बड़े, या जितने भी अरब कमांडर्स बड़े बड़े थे सभी को ड्रोन में मारा, हमारे फोर्सेस ने क्या किया, ये भी तो हमें जरा बताएं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अब ये जो बारूदी सुरंग